मोबाइल जब तक आप बंद नहीं कीजिएगा, आपका ध्यान लगा रहेगा हमेशा मोबाइल पे कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैसेंजर पे मैसेज आया, उसको देखेंगे, इसका फोन आया, उसका फोन आया, कभी गर्लफ्रेंड का भी फोन आएगा, उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोबाइल को आप जब तक नहीं बंद कीजिएगा तब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा। एक काम करते हैं, आपको एक विद्यार्थी से मिलवाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद से क्लास लेंगे, जो कि सेलेक्टेड हैं, ठीक है ना, बिहार ईसाई के रूप में, ठीक है ना। तो उनसे एक बार थोड़ा सा मिलिए, आप लोग समझिए कैसे तैयारी करना है, 5 मिनट उनसे बात करेंगे और उसके बाद से फिर क्लास करेंगे। अपने सीनियर का अनुभव लेने से एक कॉन्फिडेंस भी आता है, समझ में आता है कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। आइए, अरे तो बैठ जाइए आप लोग, सब लोग बैठ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। एक दिन आपके जैसा ही हम इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए बीच में। हाँ, ऑनलाइन में भी बच्चे हैं, वो सब भी देखते हैं, वो लोग कहेंगे आपको देखने के लिए, सब लोग ऑनलाइन वाले लोग भी देख रहे होंगे। हाँ बताइए। एक दिन आपके तरह ही इसी बेंच पे बैठ करके हम पढ़ा करते थे। इसको ले लीजिए आप। नहीं सर, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन में आवाज नहीं जाएगा उससे। एक्चुअली दो तरह का क्लास होने से, क्या बोले, इससे जाएगा ऑनलाइन में, ऑनलाइन में इससे कनेक्ट है वो, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, ये लोग से पूछ लेते हैं, बाबू आवाज आ रहा है क्या ऑनलाइन वाले लोग, बताइए, बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलिए, बोल रहा है सब, क्या आ रहा है साउंड? हाँ ठीक है, मेरा साउंड है नहीं, इनका साउंड है, ठीक है, चलिए ओके, बोले सर। हाँ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हमेशा तो हम ही बोलते थे, आप लोग सुनते थे, आज आप बोलिए हम लोग सुनेंगे। इनका संस्कार बहुत अच्छा था, पहले तो इनके बारे में 2 मिनट हम परिचय देंगे, उसके बाद ये जो होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने यहाँ, चाहे हर कोचिंग में पढ़ते हैं, और हर तरह के बच्चे आते हैं, हर तरह के परिवेश से आते हैं, कोई अमीर घर का आता है, कोई गरीब घर का आता है, लेकिन संस्कार बहुत मायने रखता है। अमीरी गरीबी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो संस्कार। कोई कोई बच्चा को देखिएगा कि वो लड़का जो है ना, बहुत अच्छे परिवार से आएगा, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करेगा, लेकिन रिच फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी वो जो है गलत संगति में रहकर उसका संस्कार खराब हो जाता है, और संस्कार खराब हो जाएगा तो क्लास में भी वो चीज दिखता है। क्लास में कभी कभी बदतमीजी करना, अपने दोस्तों से झगड़ा करना, इस तरह का छोटा छोटा हरकत करना, लेसन जो भी आपका क्लास का लेक्चर चल रहा है उसको अच्छे से न सुनना, इस टाइप का भी हरकत बच्चे करते हैं। आप लोग भी इतना पढ़ रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग समय बीतेगा जैसे, तो अपना इमेज जो है बहुत अच्छा भी बना लीजिएगा मेरे नजर में, और कुछ दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना इमेज जो है खराब भी कर लीजिएगा, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में पढ़ेंगे नहीं, बदमाशी करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज नहीं करना है। इनका खासियत क्या था कि ये क्लास में एकदम, एक होता है ना कि एकदम संस्कारिक लड़का, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से चीजों को समझना, ठीक है ना, ये चीज बहुत अच्छी बात है। हमेशा संस्कार पहले होना चाहिए, नौकरी हो या ना हो संस्कार होना जरूरी है। अगर संस्कार रहेगा हम लोगों में ना, तो नौकरी नहीं भी होगा तो कहीं भी अच्छे से इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ अच्छे से हम लोग जी लेंगे। तो सबसे पहला चीज तो इनसे सीखने लायक है इनका संस्कार, ठीक है ना, उसके बाद बाकी ये सब चीज अपना बताएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिस्कस करिए, बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और आज मैं सिलेक्टेड हूँ, तो ट्रेनिंग से आया था, तो सोचें सर से मिल लेते हैं, खास करके इसे कर आए सर से मिलने के लिए। इसमें आवाज हम लगा देते हैं ना, इसमें बोल लेते हैं, आपको टेंशन नहीं होगा। हेलो,
ठीक है सर। अरे एक्चुअली होता क्या ना कि जैसे जब अच्छे से सब कुछ रहता है ना, माइक को एक अच्छे से रख लिए तो कॉन्फिडेंटली आदमी अच्छे से बात आप लोगों से कर सकता है, तो इसलिए हम सोचे कि बढ़िया से बात करेंगे। 5 मिनट टाइम ले लेते हैं अच्छे से। तो ये अपना बताएंगे, बताइए कैसे पढ़ाई किए, कैसे क्या किए, कितना घंटा पढ़ते थे, यही सब क्वेश्चन आएगा। बाद में लोग क्वेश्चन भी अपना एक दो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अपना जर्नी बताइए, कैसे कैसे तैयारी किए, कैसे तैयारी किए, यही ना पूछना हूँ आप लोग को कैसे तैयारी किए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए अच्छे से। एक दिन आप ही लोग के जैसा हम भी इसी बेंच पे बैठ करके पढ़ा करते थे, आगे वाले बेंच पे, और सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जो भी पढ़ाते थे उसका नोट्स बनाते थे, ये जो भी बोलते थे वो फॉलो करते थे और पढ़ाई अच्छे से करते थे। तो ऐसा हुआ कि 25 क्वेश्चन में 20-22 क्वेश्चन बना करके आए और सिलेक्टेड हुए। तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए और आप लोग भी अच्छा मुकाम हासिल कीजिए, एक दिन आप लोग को भी सफलता ज़रूर मिलेगी। और सबसे बड़ा योगदान रहा कि सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमें और अच्छे जगह पे पहुंच गए। और इसी तरह आप लोग भी मेहनत कीजिए, अच्छे जगह पे जाइए। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, और टूट जाए शीशे पत्थर से और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो थैंक यू, यही बोल करके हम अपनी बोली को विराम देना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा योगदान सर का रहा और हम सर के बहुत आभारी हैं। थैंक यू। और आप लोग कुछ अगर एक दो छोटा क्वेश्चन और वैलिड क्वेश्चन एक दो पूछना चाहते हैं तो एक दो पूछ लीजिए, ज़्यादा नहीं पूछना है, परेशान नहीं करना इनको। पूछिए है ना, पूछिए। माइक दे दीजिएगा, क्या कोई पूछेगा, सुनाई नहीं देगा। नहीं सर, हो गया। आप लोग भी सक्सेस होइए, इसी तरह सर खिलाएंगे मिठाई, दो नहीं 3-3 मिठाई खाइएगा आप लोग। हेलो सर, पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको सफलता मिली है। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है जी, अगर वो नहीं, किसी भी कारणवश अगर नहीं बन पाए, अगर किसी भी कारणवश नहीं बन पाए और अगर कोई दूसरा प्रोफेशन आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने पास्ट को कैसे भूलते हैं? जी सर, ठीक है, आप अपने पास्ट को भूल कर फिर न्यू जर्नी का शुरुआत कैसे करते हैं, यही पूछना था आपसे। जो कुछ भी पास्ट है उसको भुला जाइए, उसको कैसे भूलते हैं, अब फिर बार बार वही याद आ जाता है कि अच्छा हम पहले वो बनना चाहते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, भूलना पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ चीजें एक समय आता है हर चीज नॉर्मल हो जाता है। जी हेलो, मेरा क्वेश्चन है कि पहला मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दरोगा का तैयारी मतलब क्या क्या आप फॉलो किए थे, प्लीज हम लोग को बताइए, मार्गदर्शन दीजिए। बस अच्छे से पढ़िए और घटना चक्र को फॉलो कीजिए, लुसेंट पढ़िए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए लुसेंट को, सारा कुछ लुसेंट से ही आता है। आप अगर लुसेंट को पढ़ लेते हैं 2-4 बार 80% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
और रिवीजन के बारे में थोड़ा जी आपको रिवीजन, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं। हम भी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से ही है, हम भी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से ही है। क्या? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से ही है। जी जी हम भी ऑलरेडी मुंगेर से ही है। हेलो हेलो पानी चंदन भैया आपका बहुत स्वागत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितना देर पढ़ाई करते थे? पढ़ाई आप 2 ही घंटा कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। मछली मारने से नहीं होता, उसको संहारने से होता है। ठीक है बट कुछ तो लक्ष्य होगा कि इतना घंटा हमको पर डे पढ़ाई करना। क्या बोले? लक्ष्य तो लेते होंगे ना, पर डे 24 घंटा होता है, उसमें लक्ष्य लेते होंगे कितना देर हमको स्टडी करना है। आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं। बोल रहे कि जैसे एक दिन हुआ, एक दिन में 24 घंटा होती है, उसमें आप कितना देर स्टडी करते थे? कितना ज्यादा? कितना देर स्टडी करते थे रूम में रहकर कोचिंग के अलावा? क्या बोल रहे हैं सर उनका क्वेश्चन? अच्छा रूम में रहकर के आपका आवाज समझ नहीं आ रहा था इसीलिए बोल रहे हैं। तो आप देखिए 2 ही घंटा पढ़िए, बस अच्छे से पढ़ाइए, पढ़िए और कंसंट्रेशन होके पढ़िए। ठीक है हम 8 घंटा मात्र पढ़ाई करते थे, 24 घंटा में मात्र 8 घंटा। कोचिंग छोड़ के? क्या? कोचिंग छोड़ के? हाँ सेल्फ स्टडी कीजिए। अच्छा सेल्फ स्टडी कीजिए, जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाइए, आप पढ़िए रूम में 8 घंटा कम से कम, आप कंसंट्रेशन होकर के मोबाइल फोन बंद करके 8 घंटा पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी, सफलता आपके हाथ में रहेगी। आप सर कितना दिन स्टडी किए मतलब इंटर के बाद जो कि सफलता आपको मिली सर? क्या? इंटर के मेरा कोई खास टाइम नहीं हुआ था पटना आने से। हम 2019 में पटना आए थे। अच्छा और 2000 मतलब 12 से 13 महीना पटना में रहे और सफलता मेरे पैरों चूम गई। मैं भी मुंगेर जिला से हूं इसलिए मतलब थोड़ा लगा कि आप सफलता किए तो उसका मतलब राज थोड़ा जानने के लिए, इसके लिए थैंक यू। हेलो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सबको पता है, जितना युवा है सबको पता है कि दुर्गा के लिए घटना चक्र पढ़ लेंगे, ये दृष्टि पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग युवा जो भटक रहे हैं उसका माइंड सेट मतलब माइंड को सेट कैसे करें, उसको चीज पे फोकस कैसे करें। हम सब लोग भटक रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग, सबको पता है कि हम घटना चक्र पढ़ लेंगे, लुसेंट पढ़ लेंगे, दृष्टि पढ़ लेंगे या दुर्गा निकल जाएगा, लेकिन ये जो माइंड है उसको हम सेट कैसे करें, उसको फोकस कैसे करें, ये बता दीजिए। सबसे मेन वजह हम लोग का यही है जिससे भटक रहे हैं, ये माइंड उसको कंट्रोल कैसे करें। देखिए आप जो है सब कुछ, आप जब अपना सेल फोन बंद कर दीजिएगा तो मोबाइल ऑलरेडी आपका मतलब माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है मोबाइल जब तक आप बंद नहीं कीजिएगा आपका ध्यान लगा रहेगा हमेशा मोबाइल पे कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैसेंजर पे मैसेज आया, उसको देखेंगे, इसका फोन आया, उसका फोन आया, कभी गर्लफ्रेंड का भी फोन आएगा, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है तो मोबाइल को आप जब तक नहीं बंद कीजिएगा तब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा। थैंक यू सर। जी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर अचीव दिस सक्सेस। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर हमारे लॉज में आपसे भी बड़े बड़े उम्र के बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे भी गांव में बहुत सारे सीनियर है जो 5 साल 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ हाथ नहीं आ रहा है, लेकिन सर आपने कैसे 12 और 13 महीने में इतना बड़ा सक्सेस को हासिल कर लिया? तो वो क्या करते हैं जो दूर से बोलिए ना, थोड़ा दूर से बोलिए। वही सर वो क्या करते हैं कि मतलब कि वो 5 साल 6 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो आपने क्या उनसे अलग किया जो आप इतने कम समय में सक्सेस हो गए? क्या बोले सर? सर अच्छा देखिए मैंने कहा कि मछली मारने से नहीं होता है, आप संहारने से होता है। ठीक ना, अगर आप 2 साल मेहनत कर लेते हैं पटना में आकर के तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। ठीक ना, नहीं तो आप यहाँ पे पटना में 12-12 साल लोग रहते बिताते हैं, 15-15 साल बिताते हैं पटना में, लेकिन एक चीज है अगर आप पटना आए ये सोच करके आए हैं कि टारगेट बस बना लीजिए कि हमको नौकरी लेना है, जॉब करना है बस, तो आप मेहनत कीजिए इस चीज को लेकर के, और पटना जो आता है लोग घूम के नहीं जाता है। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है तो मतलब पीछे का सिलेबस मतलब ज्यादा होते जा रहा है, उसको रिवीजन किस तरह से किया जाए, वो मतलब रिवीजन में थोड़ा
मतलब आप देखिए, आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ठीक है, उसको एक या दो बार मतलब रिवीजन जरूर कर लीजिए। जैसे आप पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, बाबर पढ़ें, बाबर अकबर के बारे में पढ़ें, तो आपको 10 मिनट मतलब रिवीजन करने के लिए काफी वक्त है। उसको शुरू से लीजिए कि बाबर कौन था, कहां से आया था, वो पहले आक्रमण कितना बार किया था, भारत में आया कितना बार आक्रमण किया, भारत में आया कितना युद्ध लड़ा, उसके बाद भारत में कौन सा गद्दी कब हासिल किया। तो देखिए 10 मिनट में आप सारा रिवीजन कर लीजिएगा। और मैथ है कि मानने का चीज है, आप मान लिए और उसके बाद उसको फटाफट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। रिवीजन करने के लिए मात्र 10 मिनट काफी है। मैथ के लिए आप क्या कोई शॉर्ट नोट बनाए थे चैप्टर वाइज, जैसे जी छोटा छोटा, और समझ नहीं आता तो शॉर्ट नोट बनाइए आप कॉपी में, ठीक है, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। थैंक यू भैया। ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग ये पूछ रहे हैं अविनाश कुमार कि गलती क्या क्या नहीं की है। अरे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा तो सिलेक्शन होगा, गलती क्या क्या नहीं है। अरे गलती क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक लड़की पूछ रही है कि ऑनलाइन से रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा रिजल्ट, ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, बहुत लड़का गांव में रह के पढ़ाई करके रिजल्ट नहीं लेता है, लेता है। तो मेन चीज देखिए, टीचर इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट इज, माने जो स्टूडेंट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। हम ही लोग पढ़ाते हैं, कोई बच्चा जो है सब इंस्पेक्टर बनता है, कोई बच्चा सीजीएल में जाता है, कोई पीओ में जाता है, और कोई जो होता है गुंडा बन जाता है, लूचा लफंगा बन जाता है, नहीं होता है क्या ऐसा? तो हम लोगों से ज्यादा आप लोगों पर डिपेंड करता है। हम लोग अपना बेस्ट यहाँ देते हैं, देंगे भी। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो सिलेक्शन होगा, कहीं से भी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ठीक है ना? चलिए ठीक है ना, बहुत बहुत, अरे ठीक है। तो अभी बैठिए 5 मिनट, अभी हम छोड़ के आ रहे हैं, 5 मिनट बैठिए ऑफिस में, ठीक है ना?